हेलो, वंस अगेन वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ हैनीमैन इन कॉन्सेप्ट ऑफ केस टिकिंग। देखिए, जहाँ तक केस टिकिंग के क्वेश्चन का सवाल है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जैसे ही स्टूडेंट ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि किसी न किसी रूप में, वेदर इन शॉर्ट नोट, वेदर इन लॉन्ग क्वेश्चन, वेदर इन लॉन्ग शॉर्ट नोट, किसी भी रूप में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे हम BHMS एकेडमिक कैरियर की बात करें, प्री PG एग्ज़ाम की बात करें, PG एग्ज़ाम्स की बात करें, या फिर डिफरेंट PSCs या UPSC, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आता ही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन के बारे में ये है कि ये क्वेश्चन इतना लेंदी होता है, जैसा कि मेरा पास्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है, कि इसमें क्वेश्चंस में क्या लिखना है एग्जैक्टली और कितना लिखना है ये स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। एंड ही गो ऑन राइटिंग पेजेस एंड पेजेस। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन, ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो सर्टेनली 20 मार्क्स के से ज़्यादा का ये क्वेश्चन होता नहीं है, और स्टूडेंट पेजेस पे पेजेस लिखता जाता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इवन इतना लिखने के बाद में, आफ्टर फिनिशिंग दिस क्वेश्चन, वो ये ऑब्जर्व करता है कि कुछ रह गया है, वो पूरा नहीं लिख पाया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात गया है कि 3 घंटे में से फर्स्ट 1 आवर इसी में स्पेंड कर देता है, और इतना लिखने के बाद में भी उसको ये लगता है कि नहीं, कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं। एंड एट द मैक्सिमम हाउ मच ही विल गेट, बहुत अगर आपने अच्छा लिख दिया है तो 14, 15, 16, दैट इज़ द लिमिट। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है मिनिमम टाइम देते हुए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अगर हम इसको पूरा पॉइंट वाइज यदि समझ लेते हैं तो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इजी टू राइट, और यकीन मानिए कि इट इज़ वेरी स्कोरिंग। मैक्सिमम यू हैव टू गिव 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स टू राइट दिस क्वेश्चन एंड आई एम श्योर यू विल गेट सेम मार्क्स, 14, 15, 16, 17, विदाउट वेस्टिंग टाइम इन द एग्जामिनेशन। सो इस क्वेश्चन के टोटल 5 सीरीज हम प्रिपेयर करेंगे। इन फर्स्ट 4 सीरीज हम ये देखेंगे कि केस टेकिंग सिस्टमेटाइज वे में पॉइंट टू पॉइंट क्या है, एंड इन फिफ्थ लास्ट सीरीज वी विल सी हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम इन वेरी शॉर्ट, टेकिंग हार्डली 4 to 5 pages। सी, जहाँ तक केस टेकिंग का सवाल है, केस टेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एफरिज्म नंबर 83 to 104, ठीक है। नाउ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। नाउ व्हाट आर द 4 स्टेजेस?
फर्स्ट इज रिक्विजिट नॉलेज ऑफ ए होम्योपैथिक फिजिशियन विच इज गिवन इन एफरिज्म नंबर 83 एंड 98. दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन. सेकेंड सेक्शन जनरल डायरेक्शन टू द फिजिशियन. ये जो जनरल डायरेक्शन है फिजिशियन के लिए, ये हैनिमैन साहब ने 84 एफोरिज्म से 90 एफोरिज्म तक दे रखा है. सो दिस इज द सेकेंड स्टेज. इन थर्ड स्टेज डिफिकल्टीज इन टेकिंग अप ए क्रॉनिक केस. क्रॉनिक केस में केस लेते वक्त क्या क्या परेशानियां होती हैं, इन सभी चीज़ों को हैनिमैन साहब ने एफरिज्म नंबर 91 से 101 तक बता रखा है. राइट, दिस इज थर्ड स्टेज. एंड लास्ट फोर्थ स्टेज दैट इज रिकॉर्ड कीपिंग. ये जो है एफरिज्म नंबर 102 और 103 में दी हुई है. सो दीज आर द फोर स्टेजेस. Aphorism number 80. Take these four stages one by one and we will see what is there in all these aphorism wise. See, if you will go by aphorism number, you are going to attend this question point wise, and if you will attend this question point wise, you will not feel at the end that these points are not written. So first stage, that is requisite knowledge of homeopathic physician, which is given in 83 and 98. It is given in two aphorism. So we will see first what aphorism number 83 says. What it says, aphorism number 83 says that physician should be free from prejudice, physician should be free from prejudice. Second, he should have sound senses. Third, attention in observing and fidelity in tracing the picture of disease. Means, उसको कोई physician को कोई पूर्वाभास नहीं होना चाहिए, उसको एकदम निष्पक्ष होना चाहिए. Then, he should have sound senses to observe उसको निष्पक्ष तरीके से पूरी निष्ठा के साथ में सिम्टम जिस भी रूप में है उसी रूप में उसको लिखना चाहिए. सो ये तीन बातें जो हैं एफरिज्म नंबर 83 में कही गई है. फिजिशियन शुड गेट करेक्ट एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिनोमिना. ही शुड बी क्वाइट फेथफुल इन प्रॉपर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स ऑफ द पेशेंट्स. राइट, तो 83 एफरिज्म में क्या है, तीन बातें हैं. ही शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइस, he should have sound senses and fidelity in tracing up the picture of disease. Right? So this is all about 83 aphorism. Now next is 98. So in 98 aphorism what says, it says that physician should give
मोर इम्पॉर्टेंस टू पेशेंट ओन एक्सप्रेशन टू अंडरस्टैंड हिज सिकनेस स्पेशली इन क्रॉनिक केसेस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लीट पिक्चर एंड इट्स पिक्युलैरिटीज फिजिशियन डिमांड्स स्पेशल caution in conducting the inquiries and patience with the patient. तो कहने का मतलब ये है कि इस aphorism में 98 aphorism में हैनिमन साहब के कहते हैं कि chronic case के case taking में physician को बहुत tactful होना पड़ेगा then उसको फिजिशियन को ह्यूमन नेचर का नॉलेज होना चाहिए देन उसको इंक्वायरी करते वक्त बहुत कॉन्शियसली इंक्वायरी करने की ज़रूरत है सो दिस इज ऑल अबाउट 98 aphorism सो इन 98 aphorism व्हाट इट टेल्स He should be very tactful. Physician should be very tactful. He should have knowledge of human nature. He should take precautions while conducting the inquiry. And he should have patience during case taking. उसको बिल्कुल भी जल्दी में नहीं होना है. Patiently he has to hear the complaints of patient. So this is all about 98. So first, our first stage is over. What was in first stage? What was in first stage? First stage again, if you see requisite qualities of homeopathic physician. Aphorism. Hahnemann says that physician should be free from prejudice. He should have sound senses. He should be attentive in observing the tracing of the disease picture. And in 98, what is there? Hahnemann says that he should be tactful. He should have knowledge of human nature. He should consciously conduct the inquiry and he should have patience, lot of patience. So this is all about first stage. First stage we have completed. At the end, in fifth series, I will tell you how to write in short in exam and how to attend this question in exam. Without wasting much time, without wasting much paper. Thank you very much.